माय चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए मैं कहाँ आ गई हूँ। आपको बैकग्राउंड देख के पता चल रहा होगा कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ। मैं जहाँ मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं वहाँ आई हूँ मैं। तो आज है मेरा बर्थडे, तो आप सब मुझे भर भर की विश करिएगा सारे लोग। और आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो चलिए आपको लेके चलती हूँ कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं तो पूरा मैं वहाँ का वीडियो आपको दिखाऊंगी, तो पूरा फुल वॉच करिएगा, तभी आपको पता चलेगा। ऐसे मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप वीडियो देखेंगे आगे तब आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। देखिए मेरे हस्बैंड जी निकल रहे हैं, जूता पहन रहे हैं, बाबू भी इधर खड़ा है रेडी होके। तो ब्लॉग पर बने रहिए आप लोग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम घर से निकल चुके हैं। तो बस अभी जस्ट निकले हैं, 5 मिनट ही हुआ है। और यह रास्ते का व्यू, तो मैं बैठी हूँ पीछे आराम से, हस्बैंड जी बाबू को लेके बैठे हुए हैं आगे, और साइड में हमारा ड्राइवर। तो बस हम यहाँ से निकल चुके हैं। और मैं कहाँ जा रही हूँ आपको आगे ब्लॉग में ही देखने को पता चलेगा, मैं नहीं बताऊँगी। तो प्लीज़ फुल वॉच करिएगा आप ब्लॉग को। तो जहाँ मेरे हस्बैंड जी का पोस्टिंग है वहाँ से है 60 किलोमीटर की दूरी। तो करीब हमें पहुँचने में लगेगा 1 घंटा। तो इसलिए ना मैं रास्ते का एक भी व्यू रिकॉर्ड नहीं करूँगी, सीधा मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ, उसके बाद ही आपसे मिलूँगी। वहीं पे पहुँच के मैं आपसे बात करूँगी। तो चलिए आप ब्लॉग पे बने रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था। और जैसा कि पीछे आप व्यू देख के जान ही गए होंगे कि ये एक मंदिर है। तो हाँ जी, एक मंदिर है। और ये है बरगढ़ से 18 किलोमीटर दूर भटली करके एक जगह का नाम है, वहाँ पे है खाटू श्याम जी का मंदिर। तो बस मैं वहीं पे आई हूँ आज दर्शन करने के लिए। और मैं जब जब भी मेरे हस्बैंड जी के पास यहाँ पे आती हूँ, जहाँ पे इनका जॉब है, पोस्टिंग है, तो मैं इस मंदिर में ज़रूर आती हूँ। और यहाँ पर आके ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो बस हम पहुँच गए हैं खाटू श्याम जी के मंदिर। और ये देखिए नाइट में व्यू कितना अच्छा है, क्योंकि हम घर से ही शाम को 4:30 बजे निकले थे, और यहाँ पहुँचते पहुँचते करीब ना 5:30 हमें बज चुके थे। और यहाँ जैसे ही पहुँचे ना, तो मौसम इतना ज़्यादा यहाँ का खराब हो गया, एकदम हवा तूफान चलने लगा। तो बस मैं चलती हूँ अंदर, दर्शन कर लेती हूँ। और आप सब भी देख लीजिए मंदिर का व्यू कितना सुंदर है, लाइटिंग चारों ओर रंग बिरंगी लगे हुए। और मेन ये ना मंदिर खाटू श्याम बाबा का है, और इसके अलावा भी ना यहाँ पे और भी छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं अलग अलग देवी देवताओं के। शिव जी की मंदिर है, दुर्गा माता का है, राधा कृष्ण है, हनुमान जी है। तो इस ना मेन मंदिर के अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो ये देखिए, ये खाटू श्याम बाबा है। तो आप सब भी घर बैठे बैठे उनके दर्शन कर लीजिए। और ना फ्रेंड्स, देखिएगा इस मंदिर का व्यू कितना अच्छा है। चारों तरफ ना यहाँ दीवार पे ना पूरे कांच से ना कारीगरी की गई है। आप लोग देख लीजिए कि चारों तरफ ना दीवार में ना कांच लगा हुआ, ऐसे लगता है जैसे आप ना किसी शीश महल में आ गए होंगे। देख लीजिए कितना सुंदर है। मैं ना आपको चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ अभी। तो बस यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था, तो मैं भी थोड़ा देर बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ पे आके ना मन को इतना सुकून मिलता है ना। तो बस मैं और मेरा बाबू बैठ के भजन कीर्तन का आनंद ले रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जी थोड़ा सा ही ना वीडियो रिकॉर्ड कर दिए, मंदिर का चारों तरफ का आपको बैकग्राउंड दिखा दे रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। हम जब मंदिर के अंदर थे ना, तभी बारिश स्टार्ट हो गई, और इतना तेज़ बारिश हो रहा है ना कि यहाँ से जा पाना ना इम्पॉसिबल ही है। तो हम ना बस मंदिर में बैठ के वेट कर रहे हैं कि कब बारिश बंद होगा। पर ना फ्रेंड्स, ना बारिश बंद ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं आज वॉइस ओवर करूँ तो आपको बता रही हूँ, हम करीब ना 1 घंटा वहाँ वेट किए थे कि बारिश बंद होगा तब जाएँगे। पर ना फ्रेंड्स, बारिश बंद ही नहीं हुआ था, फिर ना हमें ऐसे ही भीगते भीगते अपने गाड़ी तक जाना पड़ा, क्योंकि गाड़ी ना मेन मंदिर से बाहर खड़ा था। तो उतना दूर जाते तक ना हम भीग गए थे, क्योंकि टाइम भी बहुत हो जा रहा था, और करीब 60 किलोमीटर दूर घर वापस भी जाना था। तो बस हम आ गए थे वहाँ से अब यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में। तो ना फ्रेंड्स, यहीं से ना मेरे हस्बैंड जी केक का ऑर्डर किए थे, क्योंकि हमने आने से पहले केक का ऑर्डर दे दिया था। तो इसलिए ना मैंने यहीं पर अपना केक कटिंग वगैरह यहीं पर कर लिया, क्योंकि घर जाते भी बहुत टाइम हो जाता।
तो यहीं पे हम लोग केक कटिंग वगैरह की है। और हमारा ना बाहर डिनर करने का भी प्लान था, बट बारिश की वजह से सारा प्लान कैंसिल हो गया। तो बस ने यहीं पे केक कटिंग की, मैं बच्चों के लिए फिंगर चिप्स पिज्जा वगैरह ऑर्डर किए और खाए पिए, फिर हम चले गए घर सीधा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहीं पे ना अपने बर्थडे का केक कटिंग किया और यहाँ पे जो एक दो फैमिली बैठी हुई थी, क्योंकि बारिश हो रहा था ना तो रेस्टोरेंट में भी ज़्यादा भीड़ वगैरह था नहीं इस बेकरी में, तो हमने ना यहीं पे केक कटिंग वगैरह की है। उसके बाद बच्चों के लिए हमने फिंगर चिप्स और पिज्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था, बस वही सब खाए। और हमने डिनर करने रेस्टोरेंट भी नहीं जा पाए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रहा था, तो यहीं से हल्का फुल्का खा पी के हम लोग घर चले गए। तो ना इस तरह ना मेरा बर्थडे का दिन बहुत अच्छा गया, मेरे लिए बहुत खुशियों भरा था, मेरी छोटी सी फैमिली के साथ मैंने बहुत अच्छे से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे मैं करती हूँ आज के अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आप सबको पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी मैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।